अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने लगी है क्योंकि आज की वीडियो में हम करने लगे हैं क्यू एंड ए। एंड मैंने कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी, आप लोगों से पूछा था कि यार आप लोगों ने जो जो सवाल पूछने हैं वो आप लोग पूछ लो एंड देन मैं उसका आंसर करूँगा। तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल किए हैं, तो फटाफट से हम उनके जवाब देंगे। बट उससे पहले मैं कुछ जो है ना बेसिक क्वेश्चन का आंसर करता चलूँ, क्या क्या नाम है, कहाँ रहते हो, क्या एज वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना मैं पहले ही फारिग करा देता हूँ। तो सीन ये है कि आपका भाई है रावलपिंडी से एंड आपके भाई की 20 एंड मेरी बर्थडे होती है साल के बिल्कुल आखिरी दिन मतलब 31 दिसंबर को एंड आपके भाई का नाम है मोहम्मद हसन। आप लोगों में ज्यादातर को पहले ही से मेरा नाम पता होगा, बट जो न्यू लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी अब चलते हैं आप लोगों के उन सवालों की तरफ जो आप लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट में पूछे थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 100K एंड सवाल ये है कि भाई आपने यूट्यूब कैसे स्टार्ट किया था। तो सीन ये था कि मैं और मेरे दो कजन साथ बैठे हुए थे एंड हमें कीड़ा काटा कि भाई यूट्यूब स्टार्ट करते हैं हम। लाइक गेम्स वगैरह नॉर्मल तो खेल लेते थे, छोटी मोटी हम क्लैश ऑफ क्लैंस वगैरह खेलते थे, बट उस टाइम जो है ना पबजी का इतना क्रेज नहीं था ना कि हमने स्टार्ट की थी। तो 4 साल पहले हम लोग बैठे हुए थे एंड हम तीनों ने जो ना साथ यूट्यूब का चैनल बनाया एंड हमने बोला कि लेट्स सी कौन ग्रो होता है एंड अपने चैनल का हम नाम वगैरह डिसाइड करने लगे एंड साथ साथ लोगो शो को बनाने लगे। एंड उस टाइम पे हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि हमने क्या कॉन्टेंट बनाना है एंड क्या गेम खेलनी है, क्या करना है, क्योंकि डिवाइसेज वगैरह भी नहीं थी। बट हम जो है ना वैसे ही जो है ना मस्ती में यूट्यूब चैनल बना रहे थे। तो खैर आपके भाई ने भी बना लिया एंड सबसे पहला नाम आपके भाई ने रखा था MHS प्लेज, तो MHS से बनता है मोहम्मद हसन शान जो कि मेरा पूरा नाम है एंड आगे साथ प्लेज लगा दिया। तो खैर बाद में जो है ना मैंने नाम शाम काफ़ी चेंज किए थे, मतलब दो और मैंने नाम चेंज किए थे। पहले हमने मैट्रिक्स प्लेज रखा था एंड उसके बाद मैंने स्मा कॉपी रखा था। एंड आप लोगों में से एक भाई ने ये भी सवाल किया था कि भाई स्मा कॉपी नाम कैसे रखा था, तो उसका भी सीन बताता चलूँ कि भाई मेरा नाम है हसन, तो हसन को मैंने जो है ना मीनिंग निकाला एंड इसका मीनिंग है ब्यूटीफुल एंड देन मैंने ब्यूटीफुल को जो है ना डेनिश लैंग्वेज में चेंज कर दिया एंड डेनिश लैंग्वेज में ब्यूटीफुल को स्मक बोलते हैं, तो स्मक के साथ मैंने ओपी लगा दिया, तो इस तरह हमारा नाम स्मक ओपी बन गया। एंड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भाई पूछ रहे हैं कि आपकी जर्नी की फर्स्ट डिवाइस कौन सी थी। तो यार नॉर्मल यूज के लिए मेरे पास Huawei P20 Lite था एंड उस टाइम पबजी का जो है ना थोड़ा क्रेज स्टार्ट हो गया था, तो आपके भाई ने डिवाइस चेंज की थी एंड पबजी के लिए जो आपके भाई ने फर्स्ट डिवाइस ली थी वो ली थी Redmi Note 8 Pro। उस टाइम जो है ना पबजी काफी अच्छी चल जाती थी उसमें, बट जब जो है ना रिकॉर्डिंग शॉर्टिंग करो तो यार ऐसी लैग होती थी कि यार मुझे गुस्सा आता था कि भाई मैंने पबजी के लिए डिवाइस ली है बट ये लैग शैग होती है। एंड जो है ना डिवाइस की पूरी स्टोरी मैं आप लोगों को जो है ना बताऊंगा, किसी दिन आप लोगों ने पूरी स्टोरी सुननी है मेरी जो है ना उसकी जर्नी शेयरनी की, तो आप लोग बताओ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है ना हम कवर करते हैं। आप लोगों को सारा सीन बताऊंगा कि किस तरह स्टार्ट लिया था, कौन कौन सी डिवाइस चेंज की थी एंड कहाँ से डिवाइस ली थी, किससे पैसे लिए थे एंड वो सारा सीन आप लोगों को बताऊंगा। बाकी अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भाई पूछ रहे हैं कि भाई कॉम्पिटिटिव का कोई सीन है क्योंकि आपकी टीम काफी वैशी है। तो आप लोगों में ज्यादातर को पता होगा कि आपका भाई जो है ना 2 साल पहले कॉम्पिटिटिव खेल के छोड़ चुका है एंड उसकी मेन वजह यह थी कि यार काफी ज्यादा बिजी हो गया था लाइफ में, लाइक स्टडीज वगैरह भी कर रहा हूँ तो साथ जो है ना मैनेज नहीं हो पा रहा था। मैंने एक टीम बनाई थी HF के नाम से एंड देन उसके बाद में नाम चेंज हो गया था, F2 के नाम से हो गई थी एंड हमने जो ना T3 से स्टार्ट किया था एंड एलीट टीम्स तक हम पहुंच गए थे। एंड जब हम एलीट टीम्स तक पहुंचे तो यार हमें टीम डिसबैंड करनी पड़ी क्योंकि आपके भाई के जो ना दोस्त भी काफी ज्यादा बिजी हो गए थे अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में एंड मैं भी जो ना स्टडीज की तरफ थोड़ा फोकस नहीं कर पा रहा था। लाइक दिन को भी मैचेस हो जाते थे, तो आपका भाई कभी कॉलेज वगैरह है तो कभी कहीं पे है, तो काफी ज्यादा इशू हो रहा था, नहीं खेल पा रहा था एंड घर वालों से काफी डांट भी खाई कॉम्पिटिटिव के चक्करों में, तो फिर जो है ना छोड़नी पड़ी यार एंड देन मैं क्लासिक में आ गया। क्योंकि यार आप क्लासिक कभी भी खेल सकते हो, कहीं भी खेल सकते हो, आपको ये नहीं होता कि भाई इस टाइम मैच है, इस टाइम ये है, तो वो जो है ना रोला मुझसे नहीं कंट्रोल हो पा रहा था, तो मुझे कॉम्पिटिटिव छोड़ना पड़ा। एंड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भाई पूछ रहे हैं कि आपने कौन से सीजन से गेम स्टार्ट की थी। तो यार मैंने गेम तो सीजन 2 से स्टार्ट की थी, बट उस टाइम मैं स्क्वाड के साथ खेलता था, ना मुझे गेम का पता था ना मेरे पास डिवाइस थी, बट ऐसा ऐसा जो है ना मैंने जो है ना डिवाइसेस चेंज किए एंड गेम इंप्रूव होते गए एंड सीजन 12 में आके मुझे पता था चला था कि आप लोग जो है ना सोलो स्क्वाड भी खेल सकते हो। मैंने स्पेशली यूट्यूब पर सर्च किया था कि हाउ टू प्ले सोलो स्क्वाड एंड तब मुझे तरीका पता चला था कि भाई सोलो स्क्वाड के लिए आपको ऑटो मैचिंग ऑफ करनी पड़ती है एंड देन आप सोलो स्क्वाड खेल सकते हो। फिर मैंने सोलो स्क्वाड स्टार्ट किया था एंड उसी तरह जो है ना आपका भाई स्मक ओपी बना था। एंड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भाई पूछ रहे हैं कि मुश्किल वक्त में आपको कौन मोटिवेट करता है। तो यार मुश्किल वक्त में कोई साथ नहीं देता, कोई मोटिवेट नहीं करता, आपको खुद जो है ना अपने पैरों पे दोबारा खड़ा होना पड़ता है। लाइक जब भी मैं डाउन फील कर रहा हूँ ना, तो यार मैंने अपने फोन का वॉलपेपर रखा हुआ है स्मक ओपी, जो मेरा जो है ना लोगो है वॉलपेपर मैंने वही रखा हुआ है। एंड जब भी मैं अपने मोबाइल की लॉक स्क्रीन ऑन करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि भाई आपका भाई कौन है। एंड जब भी जागता वगैरह हूँ तो मुझे पता होता है कि भाई मैंने क्या करना है, लाइक वीडियो बनानी है, आप लोगों के लिए पोस्ट करनी है एंड
आप लोगों का यार प्यार काफी होता है। अगर मैं डाउन फील कर रहा हूँ तो मैं कमेंट सेक्शन वगैरह खोलता हूँ एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के काफी दिल खुश होता है एंड तब जो है ना वीडियोस बनाने का दिल भी करता है। तो इसी तरह जो है ना दोबारा फिर वीडियो बनाने लग जाती है। तो बाकी अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भाई पूछ रहे हैं आपकी क्या जर्नी थी एंड आपको क्या मुश्किल पेश आई। तो यार जर्नी पे अगर मैं बात करना स्टार्ट करूँ तो यार काफी ज्यादा टाइम निकल जाएगा। लाइक वो 15-20 मिनट का अलग टॉपिक है तो आपका भाई उस पर अलग वीडियो बना लेगा। फिलहाल जो है ना हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई कह रहे हैं कांग्रेचुलेशंस फॉर 100K एंड YouTube कंटिन्यू करोगे या स्टडी कंटिन्यू करोगे। तो आप लोगों में से ज्यादातर को नहीं पता होगा बट आपका भाई साथ साथ स्टडीज भी कंटिन्यू कर रहा है। लाइक मैं सिर्फ YouTube को टाइम नहीं देता, मैं साथ साथ YouTube के जो है यूनिवर्सिटी भी जा रहा हूँ एंड आपका भाई माशाल्लाह से 4th सेमेस्टर में है, BBA कर रहा है एंड यही मेन वजह है कि यार आपका भाई काफी ज्यादा दिन के लिए कभी कभी गायब हो जाता है। कभी कभार यूनिवर्सिटी जो है डंडा देती है कि भाई ये असाइनमेंट जमा कराओ, ये क्विज आ गया, ये सीन हो गया, ये प्रोजेक्ट आ गया, तो यार उसको काफी ज्यादा टाइम देना पड़ता है जिसकी वजह से जो है मैं वीडियोज वगैरह नहीं बना पाता। तो इसलिए जो ना अगर मैं एक आधे दिन के लिए बिजी हूँ, एक आधे दिन के लिए गायब हूँ तो आप लोग समझ जाए करो कि भाई यूनिवर्सिटी बजा रही है। तो खैर अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भाई पूछ रहे कि आपने पबजी कैसे स्टार्ट किया एंड आपकी फैमिली ने आपको शुरू में यूट्यूब के सपोर्ट किया या नहीं किया। तो भाई मैंने पबजी ऐसे स्टार्ट की कि मेरे कुछ कजन्स पहले से पबजी खेलते थे एंड उन्होंने मुझसे डाउनलोड करवाई और बोला कि हसन आज जो पबजी वगैरह खेलते हैं लाइक स्क्वाड में गप्पे शप्पे मार सकते हैं इस गेम में तो काफी मजा आएगा। तो हम काफी जो है ना साथ में खेल के शुगल वगैरह लगा लेते थे एंड फैमिली के सपोर्ट का ये सीन है कि यार उनको बस ये पता था कि ये पबजी खेलता है एंड ये नहीं पता था कि भाई यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाता है। लाइक मेरे भाई वगैरह का तो पता था यार ये चलो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बना रहा है, इसकी गेम अच्छी है, बट जो है ना अम्मी अब्बू को समझाना काफी मुश्किल होता है ये सब चीजें। तो खैर आपका भाई चुप रहा एंड वीडियोस वगैरह बनाता रहा, लाइक कंटेंट बना के पोस्ट वगैरह करता रहा। पेरेंट्स को काफी अर्से बाद सही तरह पता चला था कि यार ये यूट्यूब से इनकम वगैरह कर रहा है एंड साथ साथ मैंने स्टडीज कंटिन्यू रखी, स्टडीज नहीं छोड़ी तो उनको कोई इशू नहीं था। आज अभी तक जो है ना मैं स्टडीज साथ कंटिन्यू रख रहा हूँ। काफी मुश्किल होता है यार दोनों चीजें मैनेज करना, आप लोग जानते होंगे कि जो जो यूट्यूबर है वो साथ साथ स्टडीज छोड़ देता है, बट मैंने स्टडीज नहीं छोड़ी यार। आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह 4th सेमेस्टर में BBA कर रहा है साथ साथ, तो खैर साथ साथ यूट्यूब भी कंटिन्यू कर रहे हैं एंड साथ साथ स्टडीज भी कर रहे हैं। बट अगर यार बात की जाए फाइनेंशियल सपोर्ट की तो यार वो मुझे फैमिली की तरफ से नहीं था। लाइक वो बोलते थे कि इतने महंगे महंगे मोबाइल सिर्फ एक गेम के लिए लेना एक अच्छी बात नहीं है, बट आपके भाई ने जो ना अपने पैसे कमा कमा के जो ना डिवाइसेस चेंज किए एंड काफी ज्यादा जो ना इस चीज में मैंने स्ट्रगल की। इसकी एक पूरी स्टोरी है वो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, क्योंकि यार जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं वो बोलते हैं यार हमारे पास पैसे नहीं है, हमने डिवाइस लेनी है तभी कुछ कर पाएंगे, तो भाई कुछ करने के लिए जो ना कुछ खोना पड़ता है। तो उसके जो ना आपको मैं पूरी स्टोरी सुनाऊंगा इंशाल्लाह, ये स्ट्रगल स्टोरी है मेरी, तो इसको जो ना हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई पूछ रहे हैं कि 100K पे आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था, स्पेशली आपकी मामा का। तो यार वो आपने मिसाल तो सुनी होगी घर की मुर्गी दाल बराबर। तो सीन ये है कि आपके भाई को काफी ज्यादा एग्जांपल्स मिलती हैं कि इसका बेटा ये बन गया, इसका बेटा ये बन गया। लाइक कोई अचीव करे ना तो यार काफी ज्यादा फैमिली शेयर करती है कि भाई इसका बेटा ये बन गया, वो जैसे देसी फैमिलीज में होता है। बट सीन ये है कि अपने बेटे को नहीं देखते, लाइक उनको इतना यूट्यूब वगैरह का नहीं पता। तो खैर जब मेरे 100K वगैरह हो गए तो अगले दिन उन लोगों को जाके पता चला कि भाई अच्छा 100K भी यूट्यूब पे कोई चीज होती है, एक अचीवमेंट होती है। तो खैर सब लोग काफी ज्यादा खुश थे बट इतना कोई अप्रिसिएशन वगैरह नहीं मिलती, क्योंकि यार आप लोगों को पता है देसी फैमिलीज में क्या सीन होता है, इतने कोई अचीवमेंट नहीं माना जाता यूट्यूब को। तो खैर हमने कोई सेलिब्रेशन वगैरह इतनी खास नहीं की, बस आपके भाई ने जो स्ट्रीम पे केक काटा था बस वही काट लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई बोल रहे हैं कांग्रेचुलेशंस फॉर 100K, बाय द वे आप शादी कब कर रहे हो। तो यार थैंक यू सो मच फॉर द कांग्रेचुलेशंस एंड शादी का ये सीन है कि यार आपका भाई अभी तो BBA कर रहा है एंड 2 साल अभी और पढ़ रहे हैं एंड स्टडीज आपका भाई खत्म करेगा, उसके बाद जो है ना बिजनेस करेंगे थोड़ा एंड थोड़ा जो है ना पैसा शैसा कमाएंगे, उसके बाद देखते हैं यार शादी के लिए भी काफी जिंदगी पड़ी है, बट पहले जो है ना थोड़ा सेटल हो जाए उसके बाद ये सारे प्लान देखते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भाई फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं बताता चलूं मेरे अब्बू काफी अच्छे बिजनेसमैन है एंड अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली बैकग्राउंड भी काफी स्टेबल है, बट यार इस चीज का मैंने इतना कभी खास फायदा नहीं उठाया, क्योंकि एक जो वर्ड होता है ना बाप का पैसा, उस चीज से मुझे काफी ज्यादा नफरत है एंड यही एक मेन वजह है मेरा यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि यार मेरा माइंड सेट ये है कि आपको जो है अपने दम पे कुछ करना चाहिए, खुद सीखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब करियर में फाइनेंशियली कभी भी जो है अपने अब्बू से सपोर्ट नहीं मांगी एंड यूट्यूब करियर के लिए अगर मैं सपोर्ट मांगता भी तो शायद ना मिलती, क्योंकि यार आपको पता होगा देसी फैमिलीज का सीन, डिवाइसेस वगैरह पे पैसे खर्च करने हो या PC वगैरह बनाना हो तो वो बोलते हैं यार ये टाइम वेस्ट है, पैसे का जया है, वो वाला सीन होता है। तो वो बोलते हैं कि यार आप पढ़ाई कंटिन्यू करो, ये करो, वो करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने जो है ना फाइनेंशियली अपने आप को खुद सपोर्ट किया, जितना भी कमाया वो सब जो है ना डिवाइसेस वगैरह पे लगाया एंड वो सीन होता है ना कि आप जितना भी कमाओ अपने बिजनेस पे लगा दो, उसको इंप्रूव करने पे लगाओ, तो वही सीन है। आपके भाई ने जितना भी कमाया अभी तक जो है ना अपने PC पे लगाया, डिवाइसेस चेंज की एंड ये सब किया एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई जो है ना एक अरसे से जो अपना खर्चा खुद उठा रहा है, मैंने कभी फैमिली को नहीं बोला
बोला कि मुझे ये चीज़ चाहिए, दिलवा दो ये दिलवा दो, तो शुक्र अल्लाह का लाख लाख के जो है ना आपके भाई ने अपना खुद कमाया एंड खुद लगाया। बाकी अब चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भाई पूछ रहे हैं कि आप अपना सेटअप टूर कब शो करोगे। तो यार मेरा प्लान तो 100K पे था, बट इतना कोई खास अभी मैंने अपना सेटअप नहीं बनाया हुआ, मतलब सिर्फ कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ, बाकी गेमिंग चेयर लाइव ही है और इतना कोई खास नहीं है। बट इंशाल्लाह जो है ना हम 150K वगैरह पे अपना सेटअप टूर बना लेंगे, तब तक थोड़ा इंप्रूव कर लूंगा। मैंने जो है ना थोड़ा अपना माइंड में चेंजेस वगैरह सोची हुई है, तो वो कुछ चेंजिंग कर ले, थोड़ा अपना सेटअप अच्छा सा बना ले, तब फिर जो है ना उसके बाद सेटअप टूर भी ले आएंगे। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई पूछ रहे हैं यार आप मोबाइल से आईपैड पे क्यों शिफ्ट हो गए। तो यार सीन ऐसा था कि आपके भाई को 4 साल यूट्यूब पे हो चुके हैं एंड कम से कम 3 साल हो गए हैं मोबाइल गेम प्ले लाते हुए पबजी का। तो यार काफी अरसा हो गया था एंड मेरे अभी तक 100K भी क्रॉस नहीं हुए थे। आप लोगों ने देखा होगा बाकी लोगों को कितनी कितनी सपोर्ट मिली है, कितने कितने सब्सक्राइबर्स सबने गेन किए हैं, बट एज कम्पेयर टू देम आपके भाई को इतनी सपोर्ट नहीं मिली। तो यार आपको पता है कुछ चेंज अच्छा होता है, अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही हो तो आप लोग कुछ चेंज करो ना, तो आपके कामयाबी के लिए काफी अच्छा होता है। तो यही आपके भाई का सीन था, आपके भाई ने जो है ना सोचा आईपैड पे शिफ्ट होते हैं, थोड़ा व्यू चेंज होगा, थोड़ी जो है ना वार्म चेंज होगी एंड आप लोगों को भी काफी पसंद आया गेम प्ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपके भाई ने आईपैड लिया एंड फिर इस पे शिफ्ट हो गया एंड माशाल्लाह से आप लोग भी काफी ज्यादा एंजॉय करते हो आईपैड का व्यू और आईपैड का गेम प्ले एंड इन फ्यूचर इससे भी ज्यादा मजे मजे के गेम प्ले आने लगे हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड सपोर्ट करते रहो ऐसे ही, और अगर आप चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर दो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भाई बोल रहा है कि यार आपको 2 साल हो चुके हैं यूट्यूब पे, अब आपके 100K हुए हैं, हालांकि जो 1 साल पहले यूट्यूब पे आए थे उनके आपसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो इसका रीजन बता दो, हालांकि आपने इतना हार्डवर्क भी किया एंड आप कॉन्स्टेंटली वीडियो भी अपलोड करते रहे हो। तो मेरे भाई मैं पहले बताता चलूं कि मुझे यूट्यूब पे 2 साल नहीं, मुझे यूट्यूब पे 4 साल हो चुके हैं एंड कॉन्स्टेंटली यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करने की बात की जाए तो उसको मुझे 3 साल हो चुके हैं। एंड बात की जाए यार अगर सपोर्ट की एंड सब्सक्राइबर्स की, तो यार वो आपकी किस्मत से भी रिलेट करता है, आपकी सिर्फ मेहनत ही जो है ना नहीं मैटर करती। आपकी किस्मत में अगर हो तो आपको एक दिन में भी 100K सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, अगर ना हो तो आपको 4-5 साल लग जाते हैं। एक और जो मेन रीजन है मेरी स्लो ग्रोथ का वो ये है कि यार मेरी वीडियोज इतनी वायरल वगैरह नहीं जाती, लाइक जहां लोगों के 100K व्यूज आते हैं वहां मेरे 20,000 मुश्किल से आते हैं। तो यही सीन है, बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, मैं तो यही बोलूंगा आप लोग के शेयर करने से ही वीडियो वायरल होंगी। तो फटाफट से जो है ना शेयर कर दिया करो दोस्तों वगैरह के साथ, उनको बता दिया करो कि भाई इस भाई का गेम प्ले अच्छा है तो इसको भी देख लो, इसको सब्सक्राइब कर दो। तो बस शेयर कर दिया करो एंड यही आप लोगों का मेरे लिए प्यार होगा। बाकी यार हमने 4 साल में 100K क्रॉस किया है, कुछ लोग तो ये भी नहीं कर पाते, कुछ लोगों की किस्मत में इतना भी नहीं लिखा होता, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है यार, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 साल में भी 100K क्रॉस कर लिए, भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कभी नहीं सोचा था यार जब यूट्यूब स्टार्ट किया था, कभी भी नहीं सोचा था कि यार 100K भी कभी क्रॉस करनी है। तो खैर अलग 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 शुक्र है। बाकी अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भाई बोल रहे हैं यार आपको 2 साल से देख रहा हूं, बूट कैंप का कंटेंट वापस ले आओ, आप बूट कैंप के किंग हो यार। तो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स यार, लेकिन अब बूट कैंप का मैचिंग नहीं मिलती। आप लोगों को पता होगा जब से इवेंट्स वगैरह आने स्टार्ट हुए इरेंगल में, तब से बूट कैंप काफी ज्यादा कम लोग खेलते हैं एंड यही वजह है कि जब ये इवेंट वगैरह खत्म हो जाए तब सारे बूट कैंप खेलते हैं एंड तब मैं एक आधा गेम प्ले बना लेता हूं बूट कैंप का। हालांकि मुझे भी बूट कैंप काफी पसंद है एंड मुझे पता है मेरी ज्यादा ऑडियंस बूट कैंप वाली, जब मैंने बूट कैंप खेलना स्टार्ट किया था एंड बूट कैंप की वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट की थी तब हम काफी स्पीड से ग्रो होना स्टार्ट हुए थे एंड तब काफी ज्यादा लोगों ने मुझे सपोर्ट दिखाया था। बट यार अब क्या किया जा सकता है, मुझे बूट कैंप की मैचिंग मिले तो मैं डेली बूट कैंप का गेम प्ले ले आऊं, बट अब नहीं लगती मैचिंग तो हम भी नहीं खेल पाते। बाकी यार आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आई एम रियली सॉरी अगर किसी का सवाल रह गया हो, तो इंशाल्लाह हम कभी फिर से जो है ना कवर कर लेंगे। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं की तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल भी नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय एंड टेक केयर।